डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.5 करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था और ये क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बेसिकली हमने इनवर्स फाइंड करना है, मगर विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन। आपको याद होगा कि आपने छोटी अपने क्लास 9th में इनवर्स पढ़ा था एडजॉइंट मेथड से। इनवर्स का फार्मूला था कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये था आपके पास इनवर्स का फार्मूला, मगर अब हमने इनवर्स फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशंस। अच्छा, एक तो हमने इनवर्स फाइंड करना है और फिर हमने वेरीफाई करना है, कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू आई, यानी जब हम मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। अब ये आपके पास क्वेश्चन है 0 -1 1 -1 3 -1 -1 0 4, तो आपने इसका फाइंड करना है इनवर्स और यहाँ पे लिखा भी हुआ है इफ एग्जिस्ट। तो पहले हम इसका फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट आएगा 0 नहीं आएगा, यानी अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो तब हम आगे फर्दर प्रोसीड कर देंगे, वरना यहीं पे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो पहले स्टेप में हम इसको सपोज करते हैं कि लेट, इसको हमने मैट्रिक्स ए बना दिया, ठीक है। 0 -1 1 -1 3 -1 -1 0 4, ये हमने सपोज कर दिया मैट्रिक्स ए। तो पहले हम इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट। तो फर्स्ट वी फाइंड डिटरमिनेंट, ताकि पता चले कि कहीं ये सिंगुलर तो नहीं है। ये 0 -1 1 -1 3 -1 -1 0 4, ठीक है। ये हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो वन, से एक्सपेंड करेंगे। तो पहले हम लिख देंगे 0, फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 0 लिखा। अब आप यहाँ पे जो भी डिटरमिनेंट लिखते हैं 0 से मल्टीप्लाई होकर हो जाता है 0, इस वजह से फिर हम वो आगे डिटरमिनेंट नहीं लिखते। पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी होती है माइनस की, तो लिखा आपने माइनस और ये आपके पास आ जाएगा -1। अब नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, -1 1 0 4, फिर वैल्यू प्लस आ जाएगी और ये आ जाएगी -1 लिखा आपने, और नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, -1 1 3 -1। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ये +1 आ गया और -1 × 4 आपके पास आ जाएगा -4। आपको याद होगा इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में नेगेटिव साइन, और इन दोनों डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा -0, फिर ये -1 और ये -1 आ जाएगा और ये -3, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 और ये 1 -3 -2, तो ये +2। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 आ गया और ये नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉन सिंगुलर है और इसका डिटर्मिनेंट क्या है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट है। तो आप यहाँ लिख देंगे देयर फोर इनवर्स एग्जिस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने फाइंड करना है इनवर्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन। तो इसके देखिए टेक्निक क्या होती है कि यहाँ पे हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए लिखेंगे, ठीक है, और इसके पैरेलल इसके सामने हम लिख देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने लिखा, देखिए मैट्रिक्स ए आपके पास है 0 -1 +1 -1 3 -1 -1 0 4, और यहाँ पे जैसे ये डॉटेड लाइन होती है लगाएंगे और इसके सामने हम लिख देंगे यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स इसका ऑर्डर 3 by 3 है, तो यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स 3 by 3 का लिख देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपने लिख दिया, ठीक है, ये हमने लिख दिया यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, अब देखिए हमने करना ये है कि अब हमने देखिए ये आपके पास मैट्रिक्स ए है और ये आपके पास आई है,
अब हमने करना ये है कि यहाँ पे हमने बनाना है आई, और जो आगे इसका आ जाएगा वो आ जाएगा इन्वर्स मैट्रिक्स, ठीक है। यानी यहाँ पर हम बना देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे, और यहाँ पर जो आगे आएगा वो इसका इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने रो ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो रो ऑपरेशन में आपको याद होगा कि रोज को हमने प्लस करना है, मल्टीप्लाई किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में हम ऐड वगैरह कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी आपके पास, देखिए यहाँ पर आपके पास वन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पहले वन बनाना है, इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जो आप रो टू को, रो वन को रो थ्री से इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ जाएगी वन माइनस वन फोर आ गया, और यहाँ पर भी देखिए आपके पास आ जाएगा जीरो जीरो वन आ गया, ठीक है। ये रो टू तो ऐसी आ जाएगी माइनस वन थ्री जीरो जीरो वन जीरो, ठीक है। और ये जो आपने इंटरचेंज किया, देखिए ये आ जाएगा जीरो माइनस वन माइनस वन, और ये देखिए आपके पास आ जाएगा वन जीरो जीरो, और ये हमने मैट्रिक्स अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर है या सिमिलर है। और यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी यूज की, हमने क्या की है कि आर वन इंटरचेंज आर थ्री, ठीक है। यानी हमने आर वन को आर थ्री से इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा अब देखें ये तो आपके पास आ गया वन, अब इस वन के नीचे देखें यहाँ पर होना चाहिए जीरो, ठीक है ना। अब यहाँ पर होना चाहिए जीरो, इसके लिए अब हम लोग क्या कर देंगे कि आर टू में आर वन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, देखें ये आर वन तो ऐसे आ गया वन माइनस वन फोर, ये जीरो जीरो वन, और हम आर वन में आर टू में आर वन ऐड कर रहे हैं, तो ये वन माइनस वन ये आ जाएगा जीरो, थ्री माइनस वन देखिए आपके पास आ जाएगा टू, फोर प्लस जीरो फोर आ जाएगा, और ये भी देखिए आ जाएगा जीरो आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो जीरो, ये वन ही आ जाएगा, ये आ जाएगा वन, ठीक है। और ये आपके पास जीरो माइनस वन माइनस वन, और ये आ जाएगा वन जीरो जीरो। यहाँ पे हमने क्या किया है कि आर टू प्लस आर वन चेंज किस में आ गया, आर टू में आ गया, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ गया जीरो। अच्छा अब देखिए अब आपको याद होगा, ये देखिए आप यहाँ पे तो ऑलरेडी जीरो है, नहीं यहाँ पर देखिए जो यूनिट मैट्रिक्स है वन जीरो जीरो, यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है। फिर आपको याद होगा कि यहाँ पर होना चाहिए वन, यानी इस रो में, अब यहाँ क्योंकि डायगनल एलिमेंट्स में वन है, तो यहाँ पर भी आपके पास होना चाहिए था वन, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि आर टू में आर थ्री ऐड कर देंगे, देखिए जब हम आर टू में आर थ्री ऐड कर देंगे तो टू माइनस वन ये आपके पास आ जाएगा प्लस वन। तो अब देखिए आपके पास ये तो आपके पास रो वन तो ऐसी आ गई वन माइनस वन फोर, ये जीरो जीरो वन। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि आर टू में आर वन, आर टू में आर थ्री ऐड करेंगे, जीरो आ जाएगा, टू माइनस वन ये आपके वन आ जाएगा, फोर माइनस वन ये आपके पास आ जाएगा थ्री, और यहाँ पे भी जीरो प्लस वन वन आ जाएगा, ये ऑलरेडी वन है, ये वन है, ठीक है। और ये आपके पास रो थ्री ऐसी आ जाएगी जीरो माइनस वन ठीक है, और ये आपके पास वन जीरो जीरो। यहाँ पे जो हमने ऑपरेशन यूज किया है वो आर टू प्लस आर थ्री, और ये आर टू डैश आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब आपके पास यहाँ पर होना चाहिए जीरो, देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो आपके पास वन है इसके नीचे यहाँ पर जीरो होना चाहिए। अब हम लोग क्या कर देंगे कि आर थ्री में आर टू को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, देखें ये वन माइनस वन फोर, ये जीरो जीरो वन, और देखिए आ जाएगा जीरो वन थ्री वन वन वन। अब देखिए हम ऐड कर रहे हैं आर थ्री में आर टू को, तो ये तो जीरो ही आ जाएगा, ये वन माइनस वन ये आ जाएगा जीरो, और ये थ्री माइनस वन ये आपके पास आ जाएगा थ्री माइनस वन ये आपके पास आ जाएगा टू, और ये भी आपके पास देखिए आ जाएगा
वन प्लस वन आपके पास आ जाएगा टू, और ये वन प्लस जीरो आपके पास आ जाएगा वन, और वन प्लस जीरो आपके पास आ जाएगा वन। यहाँ हमने जो ऑपरेशन यूज किया है आर थ्री प्लस आर टू, और ये आपके पास आर थ्री डैश, ठीक है। तो मैं ये मिटा भी देता। अच्छा अब देखिए, हम आपको यहां पर देखिए, यहां पर आपको चाहिए वन, यहां पर क्या चाहिए आपको, वन चाहिए, ठीक है, यहां पर आपको वन चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि रो थ्री को हम टू से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, रो थ्री को हम क्या कर देंगे, टू से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए आपके पास, अब देखिए ये आ जाएगी रो वन, तो ऐसी आ गई वन माइनस वन, वो ये जीरो जीरो वन, ये जीरो वन थ्री, ये वन वन वन। अब देखिए हम आर टू आर थ्री को डिवाइड कर रहे हैं टू से, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगी जीरो जीरो वन, ये आ जाएगी वन, ये वन बाय टू, ये वन बाय टू। और यह हमने जो ऑपरेशन यूज किया है वन अपॉन टू आर थ्री, अब ये आर थ्री डैश हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब आपके पास, अब ये तो आ गया आपके पास, देखिए जीरो ये आ गया जीरो। अब देखिए इस वन के ऊपर देखिए, अब आपको यहाँ पर चाहिए जीरो, ठीक है ना, यहाँ पर आपको चाहिए जीरो, तो क्या कर देंगे हम लोग, आर वन में आर टू ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे, अब देखेंगे जब आर वन में आर टू ऐड करेंगे, वन प्लस जीरो वन ही आएगा, माइनस वन प्लस वन आ जाएगा जीरो, और फोर प्लस थ्री आपके पास आ जाएगा सेवन, और जीरो प्लस वन वन आ जाएगा, जीरो प्लस वन वन, और वन प्लस वन वो आएगा, ठीक है, और बाकी रोज आपके पास एज इट इज आ जाएंगे, ये जीरो वन थ्री। बल्कि यहाँ पे इसको ना कलर से हमने जो जो चेंज है वो मैं इसमें लिख रहा हूँ, यह आ जाएगा जीरो, ये सॉरी ये वन, ये वन जीरो सेवन, तो ये वन वन टू, वन वन टू, और ये आपके पास, ये आपके पास आ जाएगी जीरो वन थ्री वन वन वन, और ये जीरो जीरो वन, ये वन वन बाय टू, ये वन बाय टू। और यहाँ हमने जो ऑपरेशन यूज किया है वो आर वन प्लस आर टू और आर वन डैश, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया। अच्छा अब देखें, अब जो आपको चाहिए देखें, ठीक है, अब देखिए ये वन वन तो आ गया, अब देखिए अब आपको यहाँ पर एक चाहिए जीरो, और एक आपको यहाँ पर जीरो चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए पहले हम लोग आर थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सेवन से, और आर वन में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए आर वन आपके पास ये आ जाएगा, देखें तो ये आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा वन, ये जीरो, और ये आ जाएगा आपके पास जीरो, ठीक है। फिर देखिए जब इसको हम करेंगे माइनस सेवन से, तो ये आ जाएगा माइनस सेवन प्लस वन माइनस सिक्स आ जाएगा। अब ये देखिए हम माइनस सिक्स माइनस, जब अपना माइनस सेवन से करेंगे माइनस सेवन बाय टू, और प्लस वन, तो ये आ जाएगा माइनस फाइव बाय टू, और फिर ये भी आपके पास माइनस सेवन बाय टू, और प्लस टू, ये माइनस थ्री बाय टू आ जाएगा, ठीक है। यानी हमने क्या किया है, यहाँ पर आर वन प्लस माइनस सेवन आर थ्री, और ये आपके पास आ जाएगा आर वन डैश, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि आर आर थ्री को
-3 से मल्टीप्लाई करके आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो आ जाएगा 0, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब करेंगे -3 से, -3 + 1 ये आपके पास आ जाएगा -2। अब ये आपके पास देखिए -3/2 और +1 ये आ जाएगा -1/2, और फिर ये -3/2 +1 -1/2। यहाँ पे हमने जो ऑपरेशन यूज किया है वो R2 + -3R3, और ये R2 डैश, ठीक है। और आपके पास देखिए ρ3 एज इट इज आ जाएगी, 0 0 1, और ये आ जाएगा 1 1/2, और ये 1/2। अब देखिए ये आपके पास बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, देखें ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये आपके पास हो जाएगा ए इनवर्स। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, देखें देयर फोर तो ए इनवर्स देखिए आपके पास आ जाएगा -6 -5/2 -3/2, ये -2 -1/2 -1/2, और ये आपके पास आ गया 1 1/2 और 1/2, ये आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स। अच्छा यहाँ तक भी ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ से आप -1/2 कॉमन ले लें, ठीक है। यहाँ से अगर आपने कॉमन ले लिया, देखिए ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2, आप जब कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ आपके पास बच जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2, आपने कॉमन ले लिया, देखिए यहाँ आपके पास बच जाएगा -12, यहाँ पर -5, ये -3, यहाँ पर ये -4, ये -1, ये -1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, और ये 1। तो ये आपके पास आ गया ए इनवर्स, ठीक है। यानी आपने 1/2 कॉमन ले लिया और 1/2 को आपने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब इसका नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि आपने ये प्रूव ये करना है कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू i, यानी अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो पहले हमें लिख दिया टेकिंग, पहले हमने ए इनवर्स ले लिया, ठीक। अब देखिए जब आप ए इनवर्स लिखेंगे तो देयर फोर देखिए a into a इनवर्स, ये आपने देखिए ए आपके पास मैट्रिक्स है 0 -1 1 -1 3 -1 -1 0 4 है, और फिर आपके पास ए इनवर्स ये 1/2, और ए इनवर्स हमने फाइंड किया -12 -4 2 -5 -1 1 -3 -1 और 1, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये 1/2 को तो हम लिख देंगे शुरू में, ये 1/2 को हमने लिख दिया शुरू में, और ये 0 -1 1 -1 3 -1 -1 0 4, और ये इनवर्स इसका ये लिख दिया -12 -4 2 -5 -1 1 -3 -1 1। अब इनको करेंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं,
जब मल्टीप्लाई किया हमने देखे हैं, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 0 -12 आ जाएगा, 0, ये फिर +4 आ जाएगा, फिर -1 -2 -2, ठीक है। अब बारी है सेकेंड रो की, फर्स्ट रो सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से, ये 0 आ जाएगा, फिर ये -1 +1, और ये फिर -1। अब बारी है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से, तो ये 0 आ जाएगा, और ये -1 +1, ये -1। अब बारी है सेकेंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से, ये आपका -1 -12 आ जाएगा, +12, 3 -4 -12, और ये आ जाएगा 0। अब सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम, -1 -5 +5, 3 -1 -3, और ये आपके पास आ जाएगा 0। अब बारी है सेकेंड रो विद थर्ड कॉलम, तो -1 -3 आपके पास आ जाएगा, +3, फिर 3 -1 ये आ जाएगा -3, और फिर 0। अब बारी है थर्ड रो के, थर्ड रो विद पहले फर्स्ट कॉलम, ये -12 आ जाएगा, फिर ये +4 आ जाएगा, फिर 4 to the 8। फिर देखें थर्ड रो विद सेकंड कॉलम, ये -5, फिर ये +1, और फिर 4 1 the 4, और फिर थर्ड रो विद थर्ड कॉलम, -3, -1 +1, और 4 1 the 4, ये आपके पास आ गया। अच्छा अब देखिए, अब आपके पास ये आ जाएगा, ये 1/2, 4 -2 आ जाएगा, देखिए 2 आ जाएगा। अब देखिए ये -1 +1 कैंसिल हो गया 0, ये भी +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ये +3 -3, ठीक है, और फिर ये +12 -12, 4 + 8 = 12 आ जाएगा, और ये कैंसिल, और ये 4 और 1 5, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें ये आ गया 0, ये भी आ गया 0, फिर ये आ गया 0, 5 में से 3 है तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये 0, ये भी 0, 4 + 1 5, 5 में से 3 है तो 2 आ जाएगा। अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो 2 देखे आपने कॉमन ले लिया, 1/2, और 2 आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये देखिए आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 2 से 2 कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देयर फोर देखिए a into a inverse इज इक्वल टू ये i आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको याद होगा कि ये बराबर होता है i3 के। तो ये आपके पास हो गया प्रूफ्ड, आप लिख देंगे प्रूफ्ड। अब हम लिखेंगे नाउ। अब देखिए जो सेकंड पार्ट इसमें ये दिया हुआ है कि नाउ, अब हमने a इनवर्स इनटू a, नहीं पहले a इनवर्स लिखना है। वैसे आपको याद होगा कि डिटरमिनेंट मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, मगर इसमें होती है, ठीक है। यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप इन्वर्स निकालें और उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ आपके पास ए इन्वर्स आपके पास था 1/2, और ये -12 -4, 2 -5 -1 1, -3 -1 1, और फिर मैट्रिक्स ए आपके पास था 0 -1 1 -1 3 -1 -1 0 और 4। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 1/2 तो शुरू में आ गया एज इट इज। अब देखिए पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -12 * 0 = 0 आएगा, -5 * -1 आ जाएगा, +5, -3 * 1 +3 आ जाएगा,
3 माइनस 3। अब बार ये फर्स्ट रो भी सेकंड कॉलम, तो देखिए +12 आ जाएगा, -15 और +3। अब फर्स्ट रो भी थर्ड कॉलम, तो ये -12 इंटू -1 +12 आ जाएगा, -5 इंटू 0 आपके पास 0 आ जाएगा, और 3/4 -12 आ जाएगा। अब बारी है सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, -4 इंटू 0 आपके पास आ जाएगा 0, -1 इंटू 3 -3, और देखिए -4 इंटू -1 देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस। देखिए पहले हमने क्या, आप क्या करना है, पहले सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो -4 इंटू 0 आपके पास आ जाएगा 0, -1 इंटू +1 -1 +1, और -1 इंटू 1 -1। अब बारी है सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम, -4 इंटू 1 +4, -1 इंटू 3 -3, और फिर ये माइनस माइनस +1। सेकेंड रो विद थर्ड कॉलम, तो पहला देखिए -4 इंटू 1 +4 आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 0, फिर -1 इंटू 4 -4। अब बारी है थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 2 0 0, 1 इंटू -1 -1, और 1 1 1। अब देखें थर्ड रो विद सेकेंड कॉलम, 2 इंटू -2 -2, फिर ये 3 1 3, फिर 1 इंटू -1 -1, और फिर देखें थर्ड रो विद थर्ड कॉलम, 2 इंटू -1 आपके पास आ जाएगा -2, फिर 1 इंटू 0 0 आ जाएगा, फिर 4 1 4। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/2, 5 -3 आपके पास देखिए 2 आ जाएगा, और देखें ये आपके पास +1 -1 कैंसिल, ये आ गया 0, ये भी +1 -1 +1 कैंसिल, तो ये भी आपके पास आ गया 0, और यहाँ देखिए 5 में से 3 है तो यहाँ पर 2 है। अच्छा अब देखिए 12 और +5 30, 12 + 3 अपना 15 आ जाएगा, 15 -15 कैंसिल, ये +12 -12 कैंसिल, +4 -4, ये आपके पास -2 -1 -3, ये +3 कैंसिल, ठीक है, ये बच जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा आपके पास 0, 4 + 1 5, 5 में से 3 है तो 2, ये 0, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, और 4 में से 2 गए तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब आपने यहाँ से 2 कॉमन ले लेना, ठीक है, तो 2 आपके पास कॉमन आ गया, तो टेकिंग 2 कॉमन, यहाँ देखिए आपका बच जाएगा 1 0 0, और ये 0 1 0 0 0 1, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये देखिए आपके पास आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये आपके पास आ गया ए इनवर्स इंटू, और ये देखिए आपके पास मैट्रिक्स I3 के बराबर है, या I से हम लिख सकते हैं क्योंकि बुक में इन्होंने I दिया हुआ है, तो आप लिख लेंगे देयर फोर ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू I, तो आप लिख लेंगे हेंस ए इंटू ए इनवर्स, और ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, तो यही हमें प्रूफ करना कर देंगे, हेंस प्रूफ। अब आ जाए इसका सेकंड पार्ट, देखिए सेकंड पार्ट में भी आपने इनवर्स फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशंस। वन माइनस थ्री फोर टू
2025 15। तो देखिए, पहले तो हम इसका फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर होगा तो हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट, सो हमें मैट्रिक्स ए का नाम दिया, 1 -3 4 2 0 2 5 1 5। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। जब डिटरमिनेंट निकालेंगे, देखें ये 1 -3 4 2 0 2 5 1 5। अच्छा, आप देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्योंकि देखें रो 2 में देखें आपके पास आ रहा है 0, ठीक है। तो हम इसको रो 2 से एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, ताकि एक थोड़ा सा काम कम हो जाए। जब एक 0 आ जाता है तो आप उसको भी एक्सपेंड नहीं करते, ठीक है ना। तो देखिए, अब आपको ये भी याद होगा, देखिए कि पहले आता है प्लस, फिर आता है माइनस, फिर आता है प्लस, ठीक है। बाकी क्योंकि हम सेकेंड रो से कर रहे हैं तो पहले आ जाएगा माइनस, फिर आ जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा माइनस। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। तो यहाँ लिख भी देंगे एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 2। तो जब आपने एक्सपेंड किया देखिए रो 2 से, तो देखिए पहले तो आ जाएगा, देखें आ जाएगा, देखिए -3, देखिए माइनस, और फार्मूले का आ गया -3। सामने वाली रो कैंसिल, ऊपर वाला कॉलम कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 2 2 5 5। ये देखिए पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस, फिर ये हो जाएगा +0। अब आपको नेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। फिर आप लिख देंगे देखिए माइनस, अब ये सामने वाले रो कैंसिल हो गया, कॉलम कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 1 2। और 2 2 1 2 4 2। अब देखिए ये आपके पास आ गया माइनस माइनस +3, ये 2 5 द 10, यहाँ में नेगेटिव साइन, और 2 5 द 10, और ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया -1, ये 2 1 द 2 और 4 2 द 8। और ये देखिए आपके पास आ जाएगा 10 -10, ये आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये तो आ गया देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये -1, 2 -8 -6, देखिए ये आ जाएगा 0, और ये -1 प्लस 6। 8 डिटरमिनेंट देखिए आपके पास आ गया 6 आ गया, not equal to 0, मतलब ये नॉन सिंगुलर है और उसका इनवर्स पॉसिबल। तो आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है। अब हम निकालेंगे नाउ इनवर्स, ओके, नाउ फॉर इनवर्स। इनवर्स में क्या करते हैं कि जो मैट्रिक्स आपके पास है, देखें मैट्रिक्स के सामने हम लिख देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये पैरेलल, ठीक है। देखिए मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 5 -3 0 1, ये 4 2 5, और सामने लिख दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए रूल ये होता है कि इसे हमने बनाना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर इसका आ गया इनवर्स आ जाता है, ठीक है। ये हमने काम करना होता है, ठीक है। अब हमने ऑपरेशन करने हैं, रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं।
अब देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी वन है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी क्या है, वन है। इस वन के नीचे हमने बनाने हैं दोनों जीरो। इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये रो वन तो ऐसी आ गई, 1 2 5, 1 0 0। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि रो वन को 3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर रहे हैं। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 और 3 और -3 आ जाएगा 0। और ये 3 2 6 और +0 ये आ जाएगा 6। और ये 3 5 15 +1 आ जाएगा 16। जब ये काम आप यहाँ पर भी करेंगे तो 3 1 3 +0 3 आ जाएगा, ये आपके पास 1 ही आएगा, आपके पास 0 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी 0 बनाना है तो R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके, -4 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर देंगे। देखिए तो ये 0 आ जाएगा, ये 4 to the -8 और +2 -6, और ये 4 5 the -20 +5 -15। और यहाँ पर जो करेंगे देखें, ये -4 +0 ये आ जाएगा -4, और ये आपके पास 0 ही रहेगा, तो ये आपके पास 1। तो हमने जो ऑपरेशन किया है देखें, वो क्या किया है कि R2 + 3R1, R2 और R3 + -4R1 और ये R3 डैश, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब देखें, अब आपको यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको लेके आना है 1, यहाँ पर लेके आना है 1, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि रो रो 2 को 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे देखें, रो 1 तो एज इट इज आ गई, देखिए 1 1 2 5 या 1 0 0। अब देखिए इसको करें 6 से डिवाइड, ठीक है। जब 6 से डिवाइड करेंगे देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 16/6। और यहाँ पर भी देखिए 3/6, ये 1/6, ये आ जाएगा 0। और ये दोनों रोज एज इट इज आ जाएंगी, 0 -6 -15 और ये -4 0 1। तो यहाँ जो हमने ऑपरेशन किया है वो हमने किया है कि by 1/6 R2, और ये R2 डैश नहीं हुआ ये, ठीक है। अच्छा आप देखिए यहाँ कैंसिल भी हो रहा है, 2 8 16 और 2 3 द, और ये भी 3 1 3, 3 2 6। तो चाहे तो हम इसको एक बार दोबारा यूं लिख लेते हैं, 1 0 0 2 1 -6, ये 5 8/3 -15, और ये देखिए आ जाएगा 1 0 0, ये 1/2, ये 1/6, ये 0, ये -4, ये 0, ये 1। अच्छा अब देखिए, अब आपको यहाँ पर चाहिए 0 ना, यहाँ पर चाहिए 0, तो क्या करेंगे, यहाँ 0 चाहिए तो हम R2 को 6 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखें ये आपके पास, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा 1 1 2 5, ये 1 0 0, ठीक है। और देखें ये आपके पास, ये 0 1 8/3
ये 1/2, 1/6, 0। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि आर टू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसे, +6 से, और आर थ्री में ऐड कर रहे हैं। देखिए ये तो आ जाएगा 0, ये +6 -6 आ जाएगा 0। और फिर देखिए 8/3 को जब करेंगे 6 से, ठीक है ना, जब 6 से करेंगे यहाँ पर देखिए, या 6 से, देखिए 3 2 6 हो जाएगा 2, और 8 2 -16, ठीक, -16, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 8/3 है, ठीक है। देखिए जब आप इसको करेंगे, देखिए 8/3 और करेंगे 6 से, तो 3 1 3, 3 2 6, 2 8 16, 16 और -15, ये आपके पास आ जाएगा 1, ये आपके पास आ गया 1, ठीक है। और फिर देखिए जब आप इसको भी करेंगे, ठीक है, फिर देखिए जब आप इसको भी करेंगे 6 से, तो ये 2 3 6 हो जाएगा, और -4 +3 आपके पास आ जाएगा -1। और जब इसको भी करेंगे 6 से, तो ये देखिए 6 से 6 कैंसिल, 1 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा, और ये तो आपके पास 1 आ जाएगा। और यहाँ लिख देंगे हम लोग R3 + 6 R2, और ये R3 डैश, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपके 1 आ चुका है, अब आपको यहाँ बनाना है 0। अब हमें यहाँ बनाना है, इस जगह पे बनाना है आपको 0, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देंगे कि R1 में से R1 + -2 R2, यानी R2 को -2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 1, और ये भी देखिए आपका 2 - 2 आ जाएगा 0। और देखिए जब आप इसको करेंगे 2 से, -2 से, -16/3, -16/3, और जब आप करेंगे देखें ये 5 और -16/3, 3 5 15, 15, और ये आ जाएगा -1/3, ये आ जाएगा -1/3, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा इसके अलावा देखें जब आप इसको करेंगे, देखें 1/2 को -2 से, तो ये आ जाएगा -2 कैसे, -1 + 1, ये आपके पास आ जाएगा 0। जब इसको करेंगे -2 से, देखिए 2 3 6 -1/3, तो ऊपर आएगा -1/3, और ये 0 ही रहेगा, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास ये दोनों रोज ऐसी आ गई, 0 1 8/3, ये 1/2, 1/6, 0, फिर ये देखिए आपके पास आ जाएगा 0 0 1, ये -1, 1 + 1, और यहाँ जो हमने ऑपरेशन यूज किया है वो हमने यूज किया है कि R1 + -2 R2, चेंज किस में आया है, R1 में, ठीक है। अच्छा अब आपको देखिए यहाँ पे दोनों जगह, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपको चाहिए 0। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखें R3 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, और R1 में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे आपके पास ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 0, ये आ गया 0, और देखिए ये भी आपके पास आ जाएगा 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए इसको भी हमने किया -1/3, तो यानी +1/3, ठीक है।
तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब ये -1/3 हो गई, जब -1 से तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 1/3। अब फिर ये इसको करेंगे -1/3, -1/3, और ये आपके पास देखिए आ जाएगा -1/3, ठीक है। ये आपके पास +1/3, और ये आपके पास माइनस, देखें इसको आपने -1/3 से, +1/3 से करना है, ठीक है ना। जब +1/3 से करेंगे तो ये +1/3, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो आपके पास माइनस आएगा ना, ये 1/3 इंटू -1 -1/3, और फिर ये 1/1 को जब करेंगे 1/3 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 0, -1/3 +1/3 0। और फिर जब इसको करेंगे 1/3 को 1 से करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3। उसके बाद देखिए, अब हमने करना, देखें इसको -8/3 से, ठीक है। तो -1 को जब 8/3 से करेंगे, तो +8/3, ठीक है। ये आपको देखिए आ जाएगा +8/3 आ जाएगा, ठीक है। देखिए -1/3, -1/3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए हमने -1/3 और +8/3, यानी अब हमने क्या किया है कि -1 को करना है -8/3 से, तो ये 8/3, ठीक है, 8/3, और ये आपके पास देखिए आ जाएगा -1/2, +1/2। देखिए यहाँ पे आपका 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 8 3 3 2 6 और 8 2 16, तो ये 2 1 2 और 2 3 2 3 6 और 3 1 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 19/3 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 19/6, सॉरी 19/6। आ जाएगा, और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा -15/, देखिए जब आप करेंगे -8/3 और +1/6, 6 एलसीएम, अच्छा देखिए 3 2 6 और ये आ जाएगा -16, ये +1, तो -15/2 आएगा, -15/6। और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा, जब 1 को करेंगे -8/3 से, तो -8/3, और ये आपके पास आ जाएगा, देखें -1 1 1, ठीक है। ये भी आ गया आपके पास 0 0 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास देखें, ये आपके पास बन गया है यूनिट मैट्रिक्स। देखिए ये आपके पास आई आ गया है, तो ये आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स। अब आप यहाँ लिख सकते हो, देखिए देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/3, 0 1/3, 19/6, -15/6, -8/3, और फिर देखिए -1 +1 और +1। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, अगर आप इन सब में से देखिए 1/6 ले लें कॉमन, 1/6 कॉमन ले रहे हैं, देखिए यहाँ आपके पास बच जाएगा -2, ठीक है। यहाँ आ जाएगा -2, ये 0, ये +2, यहाँ आ जाएगा आपके पास 19, ये -15,
और ये -16, ठीक है, 1/6 आपने कॉमन ले लिया। यहाँ बच जाएगा -6, यहाँ आ जाएगा 6 और ये 6, तो ये आपके पास आ जाएगा A-1। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप चाहें देखें नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है, वो आप प्रूफ कर लीजिएगा कि A×A-1 और A×A=I, तो ये आप खुद कर लीजिएगा आसान से, ये ठीक है, जैसे प्रीवियस किया था। अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 3। ये पार्ट 3 आपके पास ये है कि -5, -1 1, 2 -2, -2 3, 3 3। अब देखिए इसको भी हमने इन्वर्स फाइंड करना है, और पहले हम चेक करेंगे कि आया इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। उसके लिए हम इसका निकालते हैं डिटर्मिनेट। अगर डिटर्मिनेट नॉन सिंगुलर होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -5 -1 1, 2 -2 -2, 3 3 3। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट के लिए हम इसको एक्सपेंड फ्रॉम रो 1, पहले -5 लिखा आपने, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, तो -2 -2 3 3। फिर पहली वैल्यू प्लस की दूसरी माइनस की, तो -2 लिखा आपने, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, -1 1 3 3। फिर प्लस 3 लिखा आपने, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, -1 1 और -2 -2। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये आ जाएगा -5, -2 को जब 3 से करेंगे तो ये आपके पास -6, और जब यहाँ में नेगेटिव साइन आएगा वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 2 3 6 आ गया। फिर ये -2 -1 × 3 -3, जब यहाँ में नेगेटिव साइन तो 3 1 3, फिर ये +3, जब माइनस माइनस +2 आ जाएगा, ठीक है, और ये भी माइनस माइनस +2 आ गया। तो देखिए आपके पास आ गया -5, ये 0 आ जाएगा कैंसिल हो गया, और ये -2 -3 -3 -6, और ये 3 2 + 2 4। अब देखिए आपके पास आ गया -5 × 0 0 आ गया, और ये 2 6 12, और 3 4 12 आ गया। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 24, ये डिटरमिनेंट। इसका मतलब ये है कि नॉट इक्वल टू 0 है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयर फोर इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब हम फाइंड करेंगे, नाउ वी फाइंड इनवर्स, नाउ वी फाइंड इनवर्स। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको बताया है पहले भी कि मैट्रिक्स ए लिखेंगे, और इसके सामने इसके पैरेलल जो है हम यूनिट मैट्रिक्स लिख देंगे, ठीक है। मैट्रिक्स ए लिखा आपने, देखें -5 -1 और 1, और फिर देखिए लिख दिया आपने 2 -2 -2, फिर 3 3 3। और सामने आपने लिख दिया यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1 0 0 1। अब हमने क्या करना है, इसे हमने बनाना है यूनिट मैट्रिक्स, इसे हमने बनाना है यूनिट मैट्रिक्स,
इसे हमने बनाना है ए इनवर्स, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले स्टेप में देखिए, यूनिट मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट 1 होता है, जबकि यहाँ पर -5 है और यहाँ पर देखिए 1 है। अब हम लोग क्या कर देंगे कि रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे, देखें ये रो ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो आपके पास रो 1 की जगह आ जाएगा रो 3, 1 -2 3, तो ये 0 0 1 आ गया, ठीक है। रो 2 ऐसी चीज आ जाएगी -1 -2 3, और ये 0 0 1, और ये आपके पास देखिए आ गया -5 2 3, और ये 1 0 0, ठीक है। यानी हमने क्या किया है कि रो 1 इंटरचेंज रो 3, इसको चाहे तो हम यूं भी लिख सकते हैं कि रो r 1 2, ठीक और करके ना यू आर नई बुक में ये दिया हुआ, ठीक है। पहले पुरानी बुक में आर और इस तरह का डबल एरो था r 3, या आर यूं लिख सकते हैं r 1 3। अच्छा अब देखिए, आपको यहाँ पर 2 चाहिए 0, यहाँ पर भी 0 चाहिए, यहाँ पर भी 0 चाहिए, तो सिंपल क्या कर देना आपने, r 2 में r 1 ऐड कर देना है, और फिर r 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, r 3 में ऐड कर देना है, और ये पूरी रो में करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं, रो 1 तो ऐसी आ गई 1 -2 3, और ये आपके पास 0 0 1। अब देखिए हम r 2 में रो 1 ऐड कर दे, तो ये 1 -1 0 हो जाएगा, ये भी देखिए -2 -2, ये आपके पास -4 हो जाएगा, और 3 + 3 आपके पास 6 हो जाएगा, और ये 0 ही रहेगा, ये 0, और 1 + 1, ठीक है, ये आपके पास 0 रहेगा, तो यहाँ आपके पास देखिए ये जो था ना, ये मैट्रिक्स रॉन्ग लिख दिए, 0 1 0। अब पहले देखिए, जब मैंने इंटरचेंज किया है तो ये आपके पास आ गया था, ये आपके पास 0 1 0, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या करना है, यानी अब r 1 में r 2 में हम r 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, ये 1 + 0, ये तो ये 1 -1 -1 + 1 0 आ जाएगा, -2 -2 -4, 3 + 3 6, ये आ जाएगा 0, ये 1 नहीं रहेगा, और ये भी आपके पास रहेगा 1, ठीक है। इस तरह हमने क्या करना है कि r 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके r 3 में ऐड कर रहे हैं, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0, तो ये आपके पास -10 + 2 -8, और ये आपके पास 5 = 15 + 3 18 आ जाएगा, और यहाँ पे भी देखिए आपके पास ये तो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए, जब आपने यहाँ पे किया, देखें -5 को 0 से 0, तो यहाँ आपके पास 1 ही आ गया, और ये तो 0, और 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 5 + 0 5, जो ऑपरेशंस हमने किए वो ये किए हैं, ये r2 + r1, ये r2 डैश, और दूसरा ऑपरेशन r3 + 5 r1
वन, क्या आपके पास R3 डैश? ये हम मिटा देते हैं। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको देखिए यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर आपको 1 चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर 1 चाहिए। हम लोग क्या करेंगे कि R2 को -1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए आपके पास ये, तो आपके पास एल की आ जाएगी 1 -2 3 0 0 1, रो 1 एज इट इज आ गई। फिर देखिए ये आपके पास 0 ये 0, ये आपके पास आ जाएगी 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी 1, और ये -6/4, ये आ जाएगी 0, ये -1/4, ये -1/4, और ये आपके पास रो थी एडिटिव आ जाएगी 0 -8 18, ये भी 1 0 5। यहाँ हमने ऑपरेशन किया है कि बाय -1/4 R2। अच्छा यहाँ देखिए कैंसिल भी कर देते हैं कि 2 3 द और 2 2 द 4, बल्कि इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं हम लोग। वन माइनस टू थ्री 0 0 1, ये 0 आ गया, 1 आ गया, -3/2, ये 0 -1/4, -1/4, ये 0 -8 18, और ये आपके पास 1 0 5। अब देखिए अब आपके पास यहाँ पर चाहिए 0, ठीक है, यहाँ पर जब 0 चाहिए तो क्या करेंगे, देखिए आसान सी टेक्निक है कि आपने R2 को 8 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर देना, ठीक है, और बाकी रो 2 दो रो है तो 2 रोज तो ऐसे ही आ जाएंगी, 1 -2 3 0 0 1, ये 0 आ गया, 1 आ गया, -3/2, ये 0 -1/4, ये -1/4। अब देखें रो 2 को हम 8 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर रहे हैं, तो ये तो आ जाएगा देखिए 0, ये आपके पास 0 आ जाएगा। देखिए जब आप इससे करेंगे 8 से, ये 2 4 8, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए -12, -12 + 18, ये आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। फिर जब इसको करेंगे 0 से, तो ये तो आपके पास 1 ही रहेगा, ठीक है, ये तो 1 ही रहेगा। जब इससे करेंगे आप 8 से, तो देखिए आपके पास आ जाएगा 4 to the 8 -2, ठीक है, ये आ जाएगा -2, और यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा -2, -2 + 5, ये आपके पास आ जाएगा 3। और यहाँ पे जो हमने ऑपरेशन किया, देखिए हमने किया है कि R3 + 8 R2, और यार R3 डैश। अच्छा अब देखिए अब आपको यहाँ पर चाहिए 1 ना, अब आपको यहाँ पर देखिए 1 चाहिए, तो R3 को हम 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 2 रोज तो ऐसी, 3 रोज तो ऐसी, 2 रोज तो ऐसी आ जाएंगी, 1 -2 3 0 0 1, 0 1 -3/2, 0 -1/4, -1/4। अब देखिए इसको हम कर रहे हैं 1/6 से मल्टीप्लाई, ये 0 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/6, ये 1/6 को जब -2 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी -1/3, और ये आ जाएगी 1/4।
टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर या सिमिलर टू आर, ये हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ पर चाहिए, देखें यहाँ पर आपको चाहिए जीरो। ठीक है, अब हम यहाँ पे जीरो लाने के लिए क्या करेंगे, आर टू को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे और आर वन में ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ जो चेंज आएगा वो आपके पास देखिए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वन, ये जीरो। ठीक है, जब देखिए जब आप इसको करेंगे टू से मल्टीप्लाई, टू से टू कैंसिल, तो -3 + 3 ये आपके पास आ जाएगा जीरो। ठीक है, और देखिए ये जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो ही आएगा। अब देखिए जब -1/4 को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा -1/4। और ये देखिए -1/2 और +1, ये आपके पास +1 आ जाएगा। ठीक है, +1/2 आ जाएगा। अब ये बाकी रोज ऐसी आ गई, 0, 1, -3/2, 0, -1/4, -1/4, और ये 0, 0, 1, 1/6, ये 1, -1/3, तो ये 1/2। और यहाँ हमने जो ऑपरेशन यूज किया है वो हमने यूज किया कि R1 + 2R2, ये R1 डैश। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर देखिए चाहिए जीरो ना, यहाँ पर आपको चाहिए जीरो, यहाँ जीरो चाहिए। देखिए सिंपल हम लोग क्या कर देंगे कि R3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये दो रोज तो ऐसे ही आ जाएंगे ऊपर, 1, 0, 0, ये आ जाएगा 0, -1/2, ये +1/2, अच्छा फिर देखिए आपके आ जाएगा 0, इसे चेंज कर देने के आ जाएगा 0, 1, 0। अच्छा अब देखिए 1/6 को हम क्या कर रहे हैं, 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आपके पास आ जाएगा 1/6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -3/2 से +3/2 से, तो ये 2/6 आ जाएगा आपके पास 1/4, 1/4। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें ये आपके पास 1/4 जब इसमें ऐड हुआ तो आ जाएगा 1/4, और जब इसमें करेंगे देखिए -1/-1/3। ठीक है, -1/3 को जब करेंगे -3/2 से, और इसमें थोड़ी आप यानी ठीक है -1/3 को करेंगे +3/2 से, और इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3/4, और यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1/2, और थर्ड रो आपके पास एज इट इज आ गया, 0, 0, 1, ये 1/6, तो -1/3, और ये 1/2।
और यहाँ देखिए जो हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है वो हमने कर दिया है R2 + 3/2 R3 और ये R2 डैश। ठीक है, तो ये आपके पास देखें ये बन गया यूनिट मैट्रिक्स। देखिए ये आपके पास बन गया यूनिट मैट्रिक्स और ये आपके पास बन गया ए मैट्रिक्स। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, देखिए देयरफॉर जो ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा जीरो वन बाय फोर 1/6 फिर -1/2 -3/4 और -1/3। ठीक है, ये आपके पास इनवर्स आ गए -1/2 -3/4 और इसको थोड़ा सा ना सही करके मैं लिख दूं। या जाए देखिए 0 1/4 1/6 फिर -1/2 -3/4 और -1/3 ये 1/2 1/2 ये 1/2। ये आ गया ए इनवर्स। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, मगर अगर आप 1/12 देखें यहाँ पर जो एलसीएम है अपॉन में वो आपके पास आ जाता है 12। ठीक है, आप 1/12 ले लें कॉमन। जब आप 1/12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास, ये तो 0 ही है, ये भी -1/2 तो ये आपके पास आ जाएगा -6, ये +6 ये आपके पास आ जाएगा 3, ये -9 ये 6 ये 2 आ जाएगा, ये -4 और ये 6। अगर आप 1/12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका दोबारा ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप क्या आ गया है, ये आपका आ गया है ए इनवर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बाकी इंशाल्लाह जो है इसका एक Part 4 आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, थोड़ी यानी ध्यान से करनी पड़ती है, बाकी मुश्किल नहीं है। ठीक है, और अगर आप इसमें यह करना चाहें आगे इसका कि a into a इनवर्स या a इनवर्स into a, ये आई तो ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स ए को ये ए इनवर्स आपके सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।